नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम था बहुत ज़रूरी, इस कारण मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपसे सॉरी मांगता हूँ यार, मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाया। मैं यूट्यूब पर काफ़ी समय से लाइव नहीं आ रहा था, तो यही कारण था कि मुझे बहुत काम था। मेरे एक्चुअली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, उनकी मैं तैयारी कर रहा था। जॉब्स रोज़ निकलती थी बट मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी कैसी होती है। टफ तो नहीं कह सकता दोस्तों मैं, लेकिन कैसी होती है ये, ठीक है। तो आज आपके लिए एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे थे, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन के पोस्ट, 707 पोस्ट थी, ठीक है, 707 पदों में जो भर्ती निकली थी दोस्तों, उनके जो है एप्लीकेशन स्टेटस आ चुकी है। आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, यानी कि हिंदी में अगर प्योर हिंदी में कहूँ दोस्तों, तो आपने जो अपना अप्लाई किया था फॉर्म दिल्ली पुलिस के लिए, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। अगर रिजेक्ट किया गया है तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर एक्सेप्ट किया गया तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, निश्चित आपका एग्ज़ाम होगा। तो उन्होंने ये इस तरह की डेट खोल चुके हैं दोस्तों, तो अपना अभी जाके आप चेक करें दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दोस्तों, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की गई है कि रिजेक्ट की गई है दोस्तों। तो इतनी सी जानकारी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।